नमस्कार, मैं अरुण कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 के फाइनल मैच में आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया है। इसी के साथ आरसीबी के रूप में डब्ल्यूपीएल को एक नया चैंपियन मिल गया है। आरसीबी ने 16 साल का सूखा खत्म करते हुए पहला खिताब जीत लिया है, जिसके बाद से आरसीबी की जीत के बाद कप्तान स्मृति मंधाना काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। उनकी एक तस्वीर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें ट्रॉफी जीतने के जश्न के बीच मैदान पर एक शख्स उन्हें गले लगाते हुए नजर आ रहा है। दरअसल आरसीबी के डब्ल्यूपीएल का खिताब जीतने के बाद कप्तान स्मृति मंधाना और उनके रूममेट बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल की तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। जैसे ही आरसीबी टीम ने डब्ल्यूपीएल का खिताब जीता तो मैदान पर उनके बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल ने उन्हें गले लगाकर जीत की बधाई दी। इस तस्वीर ने पलाश स्मृति के कंधे पर हाथ रखकर ट्रॉफी के साथ तस्वीर खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें, स्मृति और पलाश का नाम एक दूसरे के साथ काफी लंबे समय से जोड़ा जा रहा है, लेकिन मंधाना ने अपनी ऑफिशियल रूप से इस बारे में कभी खुलकर बात नहीं की। पलाश ने साल 2013 में एक लाइव कॉन्सर्ट में एक गाना स्मृति मंधाना को डेडिकेट किया था और अपने प्यार का इजहार भी किया था। आपको बता दें, पेशे से पलाश एक सिंगर और म्यूजिक कंपोजर हैं। पलाश मुच्छल सिंगर पलक मुच्छल के भाई है। महिला प्रीमियर लीग 2024 का फाइनल मैच आरसीबी ने 8 विकेट से जीत लिया है। फाइनल मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बैटिंग करते हुए 18.3 ओवरों में 113 रन बनाए हैं। इसके जवाब में आरसीबी ने 3 गेंदे शेष रहते हुए 2 विकेट के नुकसान पर मैच जीत लिया। आरसीबी की तरफ से स्मृति के बल्ले से 31 रन निकले। एलिस ने 35 रन बनाए, शोफिया ने 32 और रिचा ने नवाब 17 रन की पारी खेली। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही खेल की ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहे पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार।